कम बैक फ्रेंड। तो परमिटिविटी और परमेबिलिटी का जो बेसिक डिफरेंस होता है उसको हम लोग देखेंगे। एक यूज़ करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में और एक यूज़ करते हैं हम लोग मैग्नेट सर्किट में। तो बेसिकली इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, और इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता है, तो इस कन्फ्यूज़न को भी याद दूर करते हैं हम लोग। तो परमिटिविटी जो होती है बेसिकली इलेक्ट्रिकल सर्किट में होती है, और इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग कैपेसिटर यूज़ करते हैं। नहीं, इलेक्ट्रिकल सर्किट मत बोलिए, आप इलेक्ट्रिकल फील्ड बोलिए तो बेटर रहेगा। तो परमिटिविटी जो होती है बेसिकली हम लोग इसका यूज़ जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कौन देगा, कैपेसिटर देता है। कैपेसिटर में जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड से होती है। दो प्लेट होता है और उसके भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, और यहाँ पर स्टैटिक चार्ज होते हैं, और चार्ज होते हैं वहाँ पे स्टैटिक है। तो स्टैटिक चार्ज के कारण हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, लेकिन वही चार्ज यदि मूव हो जाए तो हमारा बेसिकली हमारा करंट फ्लो हो जाएगा, और उस करंट के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। तो वो बोलेंगे परमेबिलिटी, जिसे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड में जो भी प्रॉपर्टीज़ की एनालिसिस करेंगे हम लोग परमेबिलिटी होगा, और बेसिकली यहाँ पे चार्ज जो होंगे वो हमारे मूव करेंगे, और यहाँ पे बेसिकली जो चार्ज होंगे वो स्टैटिक होंगे, स्थिर अवस्था में होंगे। तो इसका एग्जांपल कैपेसिटर है, और इसका एग्जांपल जो है हमारा इंडक्टर है, और या फिर ट्रांसफार्मर का कोर का भी ले सकते हैं आप लोग। तो बेसिकली ये इसका एग्जांपल है। अब देखते हैं जो हमारी परमिटिविटी होती है, जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की बात करते हो, तो ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये पोलराइजेशन पर डिपेंड करता है। किस टाइप का वहाँ पर पोलराइजेशन दिया गया है, मतलब पोलराइजेशन किया गया है या फिर नहीं किया गया है, ये पोलराइजेशन पे डिपेंड होता है हमारा बेसिकली परमिटिविटी, जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड में एनालिसिस करते हैं। जो परमिबिलिटी होती है, जो हम मैग्नेटिक फील्ड में एनालिसिस करेंगे, तो ये चुंबकत्व पे डिपेंड करेगा, यानी मैग्नेटिज्म पे डिपेंड होगा। तो यहाँ से देखिए डिफरेंस से सारे क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, और यहाँ से आप कंपेयर के जितने भी पॉइंट है उसको ईजिली देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए थ्योरेटिकल से आते हैं, आजकल बच्चे बस MCQ रटते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है। जितना ज़्यादा आप थ्योरी पे कमांड करेंगे बेसिकली आप वहीं से टारगेट कर पाएंगे, MCQ से आप ज़्यादा उतना अच्छा बीट नहीं कर पाएंगे कंपटीशन में। तो बेसिकली MCQ भी देखते रहिए, लेकिन 30% आप MCQ पे टारगेट कीजिए और 70% हमारा थ्योरी पे टारगेट कीजिए, तो ईजिली आपका कंपटीशन फाइट होगा। तो मैग्नेटिज्म पे हमारा परमेबिलिटी डिपेंड होगा, और ये पोलराइजेशन पे होगा। और बेसिकली जो होता है एक फॉर्म, बेसिकली इसमें हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो होता है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू ज़ीरो इंटू म्यू आर होता है, और इसकी जो वैल्यू होती है 8.85 होती है, 10^10-12 होती है, इसे हेनरी पर मीटर बोलते हैं। और जो परमेबिलिटी होती है जिसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है 4π×10^-7 होती है, और इसे हम लोग फैरड पर मीटर बोलते हैं। तो मीटर ये यूनिट है, इसको ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, तो इसे हम लोग लिख देंगे नो यूनिट, और इसका भी होगा नो यूनिट, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं है। तो बेसिकली ये चीज़ है। अब देखिए कैपेसिटर, और बेसिकली थोड़ा सा ये हमने कैपेसिटर की एनालिसिस किया, और यहाँ पे हमने देखा कि जो डिपेंड होता है वो पोलराइजेशन पे डिपेंड है। सपोज़ ये हमारा एक डायलैक्ट्रिक मीडियम में हमारा पोलराइजेशन होता है, मतलब जो मीडियम होता है हमारा जो भी हो माइका या फिर जो जैसा भी मटेरियल यूज़ करेंगे उसमें जो चार्ज स्टोर होंगे यानी एनर्जी स्टोर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। तो सपोज़ यहाँ पर हमारा ऐसे पोलरिटी बनता है, वहाँ पर प्लस और माइनस कई सारे मतलब अपोजिंग नेचर के चार्ज जुड़े होंगे। सपोज़ ये हमारा अभी अनपोलराइज है, माने हमने अभी इसको पोलराइज नहीं किया है, तो अगर हम इसको पोलराइज करते हैं तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा। सपोज़ हमने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिया और यहाँ पे निगेटिव चार्ज दिया, माने इसमें सप्लाई दिया कैपेसिटर पे, तो ये पोलराइज हो जाएगा। अब पोलराइज होके क्या हो जाएगा कि अपोजिंग पोलरिटी हो जाएगी, जैसे यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और बेसिकली ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो इसी फंडा को हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन। तो ऐसे ही हो जाता है हमारा पोलराइजेशन, देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो ऊपर क्या होगा हमारा प्लस ही रहेगा, और नीचे क्या हो जाएगा माइनस होगा, ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये इसकी जो बाहर हमने पोलराइज किया इसके कंपेयर में ये हमारा होता है।
तो ये प्लस माइनस और इधर भी प्लस माइनस अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसको बोलेंगे कि ये पोलराइजेशन कर दिया गया है। और पोलराइजेशन के केस में क्या होता है, हमारा ये पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फिगर दिखाया गया है। तो बेसिकली कैपेसिटर में ये अनपोलराइज था, हमने इसको पोलराइज कर दिया। उसी तरीके इंडक्टर में क्या होगा, सपोज हमने ये नॉर्थ दिया है, नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। नॉर्थ साउथ में हमारा जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स होंगी समथिंग्स कुछ ऐसे होंगी, बहुत फैल के रिप्रेजेंट होंगी। लेकिन इसी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को हमें इकट्ठा करना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक आयरन का मटेरियल आप यूज़ करिए। तो अब क्या होगा, ये जितने भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हैं ये इधर से ना जाके इस मैग्नेटिक इस मतलब पाथ से जो इस आयरन के मटेरियल से होके जाना चाहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने आयरन का मटेरियल यूज़ किया है। तो बेसिकली यही चीज़ है। तो यहाँ पे जो होता है हमारा हेल्प हो जाता है हमारा, मतलब ये आयरन एक तरीके का हेल्प करता है फॉर्मेशन में, मतलब ये जो फील्ड है उसको रोल लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है हमारा। तो बेसिकली थोड़ा सा और भी डिफरेंस की हम बात करते हैं यहाँ पे। और देखिए ये जो परमिटिविटी होती है और वो जो परमेबिलिटी होती है, ये एनर्जी कंजर्वेशन में कितना हेल्प होगा वो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है। और ये बेसिकली यही होता है, इन दोनों इसकी और इसकी जो भी हो, ये इलेक्ट्रिकल्स के लिए और ये मैग्नेट के लिए, तो इन दोनों की जितनी वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा इसकी भी वैल्यू होगी और उस कंपेयर में उतना ही हमारा ज़्यादा वर्क डन होगा। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो मीडियम होता है एक तरीके का, ये परमिटिविटी और ये परमिबिलिटी एक तरीके का मीडियम है। और जिस टाइप का आप मीडियम यूज़ करेंगे उस टाइप का ये उतना स्ट्रेंथ उसकी बढ़ती जाएगी, उतना वर्क डन होता जाएगा। तो इसके लिए अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। सॉफ्ट आयरन के लिए 8,000 होता है, उसके लिए उतना मतलब होता जाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड में ग्लास है, माइका है, इन सबों की वैल्यू है। तो इसका सेपरेट अलग से एक वीडियो मैं बनाऊंगा कि इसकी वैल्यू कितना होती है और कौन कितना हमारा वर्क डन कराएगा। तो बेसिकली परमिटिविटी और परमिबिलिटी यही डिफाइन करती है, तो कितना वर्क डन होगा एज़ कम्पेयर टू एयर। यदि हमारा मीडियम कुछ भी नहीं है उसके कंपेयर में, हम लोग कोई मीडियम यूज़ करते हैं, तो हमारा वर्क डन जो है कितना इम्प्रूव होता है, वही हमारा परमिटिविटी और परमिबिलिटी रिप्रेजेंट करता है। ये जो है इलेक्ट्रिकल के लिए बताएगा और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड के लिए बताएगा। तो देखिए यदि हमारा यहीं पर बात करते हैं, ये अगर एयर होता तो उस केस में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थी 95 थी, लेकिन जैसे हमने आयरन के पीस यूज़ कर दिया तो इस केस में जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो 95 से क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी, यानी 100 हो जाएगा, 105 मतलब कुछ बढ़ जाएगा। और स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की जो स्ट्रेंथ है वो भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली परमिबिलिटी यही रिप्रेजेंट करता है कि हम मीडियम कैसा यूज़ करेंगे, और मीडियम जैसा ही होगा उसी हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ उतनी होगी, चाहे वो मैग्नेट की हो चाहे वो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो। और स्ट्रेंथ जितना ही अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा हमारा वर्क डन होगा, क्योंकि कोफिशियंट कपलिंग जो होती है वो बेसिकली आपने देखा ही है, तो उसी हिसाब से हमारा वर्क डन भी उतना ही अच्छा होगा। तो बेसिकली परमिबिलिटी अगर बात करें तो परमिबिलिटी जो होती है किसी मटेरियल का ये चीज़ डिफाइन करती है कि कितना हमारा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस मटेरियल से पास करेगा। और ये आयरन है तो उसके लिए अलग वैल्यू होगी, सॉफ्ट आयरन है तो उसके लिए अलग वैल्यू होगी, माइल्ड स्टील जैसा वैल्यू होगा उतना क्वांटिटी इसकी वैल्यू बढ़ती घटती जाएगी। और उसी कंपेयर में जिसकी वैल्यू जितना ज़्यादा होगी उसी मटेरियल को हम लोग यूज़ करेंगे। तो बेसिकली देखिए परमिबिलिटी जो हम लोग मैग्नेट सर्किट में यूज़ करते हैं ये किस पे डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, मतलब ताप अगर आप बढ़ा देंगे तो परमिबिलिटी डाउन हो जाएगी, मीडियम अच्छा और नहीं रहेगा और परमिबिलिटी भी जो है डाउन हो जाएगी, वर्क डन भी अच्छा नहीं होगा। दूसरा है फील्ड स्ट्रेंथ, यदि हमारा कोई मटेरियल अच्छा नहीं है तो फील्ड स्ट्रेंथ भी डाउन हो जाएगा, और फील्ड स्ट्रेंथ डाउन हो जाएगा तो हमारा वर्क डन उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो लिंकेज है वो अच्छा नहीं होगा। तीसरा इसका डिपेंडेंसी है हमारा फील्ड पे, फील्ड की जो फ्रिक्वेंसी होती है, यदि हमारी सप्लाई की वायरी कर गई तो हार्मोनिक्स डेवलप हो जाएंगे, और हार्मोनिक्स डेवलप होंगे तो जो मैग्नेटिक जो हमिंग की आवाज़ आती है वो ट्रांसफार्मर, वो बेसिकली फील्ड फ्रिक्वेंसी से आती है। तीसरा इफेक्ट है, अगला इफेक्ट जो है ह्यूमिडिटी, यदि गर्मी उर्मी के दिनों में क्या होता है, परमिबिलिटी की जो टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो हमारा इसकी जो वैल्यू होती है ओवरऑल वो टेम्परेचर पर डिपेंड होती है। और टेम्परेचर जैसा होगा मतलब ह्यूमिडिटी, जैसे गर्मी की बात की जाए तो उस केस में जो टेम्परेचर होता है वो वैरी कर जाता है, उस केस में हमारा जो मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ है थोड़ा सा वैरी कर जाएगी, तो कहीं ना कहीं ये भी वैरी करेगा, तो वर्क डन ओवरऑल सिस्टम मतलब जो है वो वर्क वैरी हो जाएगा, तो उस केस में इफेक्ट पड़ता है हमारे परमिबिलिटी पे। और यहाँ पे बेसिकली किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है, ये बेसिकली हमारा मटेरियल किस टाइप का है उसी पे डिपेंड करता है।
तो बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम समझने की बात करते हैं कि परमिटिविटी और परमेबिलिटी क्या है, तो बेसिकली आप लोग बस यही ध्यान दीजिए कि यहाँ पे परमिटिविटी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की एनालिसिस करते हैं और परमेबिलिटी में मैग्नेटिक फील्ड की एनालिसिस करते हैं। अब इसी फील्ड की जो स्ट्रेंथ है उसी को बढ़ाने के लिए हम लोग एक मीडियम यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी है और ये परमेबिलिटी है। वही अगर मीडियम कैसा है, मीडियम अच्छा होगा तो हमारा वर्क डन अच्छा हो जाएगा। तो बेसिकली मीडियम का खेल है यहाँ पे। यदि यही कैपेसिटर है, अगर हमने बीच में एयर यूज़ किया है तो हमारा ये उतना एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, लेकिन यहीं पे हमने डाइलेक्ट्रिक यूज़ कर दिया है, मतलब मीडियम यूज़ कर दिया है। यही जो डाइलेक्ट्रिक है यही हमारा ये रिप्रेजेंट करता है, और ये डाइलेक्ट्रिक जितना अच्छा होगा वो हमारा मीडियम होगा, उस केस में हमारा एनर्जी स्टोर बढ़ जाएगा और उस केस में वर्क डन अच्छा होगा। बेसिकली वही चीज़ यहाँ पे भी है। यदि एयर यूज़ किया गया है तो एज़ कम्पेयर में यहाँ पे सॉफ्ट आयरन यूज़ करेंगे, तो मीडियम हमने चेंज कर दिया क्योंकि पहले एयर था, अब यहाँ पे हमने आयरन लगा दिया। तो बेसिकली मीडियम है एक तरीके का ये परमिटिविटी और परमेबिलिटी, और कौन किसके लिए यूज़ होता है इसको ध्यान दीजिएगा। और परमिटिविटी में अगर हम इसकी बात करें तो ये एक तरीके का रेशियो होता है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट अपान इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, तो डी अपन एच होता है। तो ये रेशियो होता है हमारा परमिटिविटी जो होता है वो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट अपान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक रेशियो होता है, और जो परमेबिलिटी होता है ये भी रेशियो होता है, ये फ्लक्स डेंसिटी बी और फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल एच, बी अपन एच का ये होता है और ये डी अपन ई का होता है हमारा, डी अपन ई और ये होता है बी अपन एच। और यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं म्यू जीरो इंटू म्यू आर एप्सिलॉन जीरो इंटू एप्सिलॉन आर, और यहाँ पे म्यू जीरो इंटू म्यू आर, और बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो देख लीजिएगा। तो ये डी अपन ई का होता है, मतलब ये परमिटिविटी जो होती है इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट जिसे हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जिसे ई से रिप्रेजेंट करते हैं। डी अपन ई का जो रेशियो होगा वो हमारा परमिटिविटी को बताएगा, लेकिन जो हमारा फ्लक्स की जो डेंसिटी है बी और जो फील्ड की स्ट्रेंथ है जो मटेरियल की उसे एच, ये रिप्रेजेंट करेगा हमारा परमेबिलिटी पे, और ये इतना बराबर इतना होता है। तो बेसिकली इन दोनों का कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हो ही गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद है तो दोस्तों एक साथ जरूर शेयर कीजिए।